फरीदाबाद में यमुना नदी का बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए मुश्किल लेकर आया है और हम फिलहाल यमुना के किनारे पर खड़े हैं और ये देखिए आप जो तमाम आप पानी देख रहे हैं ये पूरे गांव तक पहुंच चुका है। कई गांव ऐसे हैं जो अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। हम फिलहाल लालपुर गांव के पास में खड़े हैं और अगर बात करें तो देखिए यहाँ NDRF की अब टीम को बुलाया गया है चूँकि यमुना के बीच में कुछ लोगों के फंसे हुए की जानकारी सूचना सामने आ रही है, लोग उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है और इसीलिए अब NDRF की टीम जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करते हुए जानकारी ले रही है कि कौन कहां फंसा हुआ है। और मैं अगर वो तस्वीर दिखाऊं तो जिस तरह जो ग्रामीण बता रहे हैं वो काफ़ी दूर का एरिया अगर आप देखेंगे तो वहां पेड़ों की तरफ में करीब 7 आदमी क्योंकि बच्चे भी उनके साथ में कुछ हैं वहाँ फंसे हुए हैं। अब उनको निकालने की कवायद NDRF की तरफ से की जाएगी, उससे पहले पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि वहाँ तक किस तरह से पहुँचा जाएगा और अगर उनको रेस्क्यू किया जाता है तो कौन सी साइड में उनको लेकर आया जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू टीम जो NDRF की हैं वो हमारे साथ में अधिकारी भी मौजूद हैं। ये बात करेंगे क्या सूचना है आपके पास में फिलहाल? सर अभी यहाँ पे 3 से 4 विक्टिम फंसे होने की सूचना है हमारे पास, हमारी रेस्क्यू टीम आई हुई है। हम वही आइडिया लगा रहे हैं किधर से हम अप्रोच बना करके उनकी मतलब कि रेस्क्यू कर सकते हैं। तो क्या उनसे कोई संपर्क हुआ है आपका? उनसे संपर्क हुआ है सर और वो अभी ठीक है। वहाँ पे कोई मतलब कि हम यही अप्रोच ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किधर से हम अपनी बोट को यहाँ पे लॉन्च करेंगे और कैसे हम रेस्क्यू करेंगे। बिल्कुल, देखिए कोशिश की जा रही है लगातार NDRF की टीम की तरफ से कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए और 4 से 5 लोगों का अंदाज़ा बताया जा रहा है, उनसे बात हुई है और कहा भी जा रहा है कि वह अभी फ़िलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन अब वहां पहुंचने की कवायद NDRF की टीम की तरफ से शुरू हो रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक।